नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हर काम दिन के अनुसार किया जाता है। इन्हीं में से एक काम है पुरुषों का हजामत करवाना। हिंदू धर्म में बाल दाढ़ी कटवाने के लिए भी दिन बताए गए हैं, जो कि एक पुरानी मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें बाल दाढ़ी मूछ करवाना अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ दिन और तिथियां ऐसी भी हैं जिनमें ये काम करना सख्त मना होता है। कहा जाता है कि अगर हम वर्जित तिथियों में बाल या फिर दाढ़ी मूछ बनवाते हैं तो इससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। तो दोस्तों, पुरुषों को किस दिन दाढ़ी मूछ बनवानी चाहिए और किस दिन नहीं, जानने के लिए हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सप्ताह में किन दिनों में हजामत नहीं करवानी चाहिए। पहले नंबर पर बात करते हैं मंगलवार की। बता दें, मंगलवार के दिन बाल और दाढ़ी कटवाना अशुभ माना जाता है। इस दिन ये काम करने से उम्र कम हो जाती है। शास्त्रों में गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का दिन माना गया है। इस दिन बाल नाखून आदि कटवाने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, साथ ही लक्ष्मी का नुकसान भी होता है। आगे है शनिवार और रविवार। मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में भी बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, शनिवार का दिन शनिदेव का दिन माना जाता है और इस दिन बाल कटवाने से शनिदेव आप पर भारी हो सकते हैं। तो वहीं रविवार का दिन सूर्य देव का होता है और इस दिन भी बाल नाखून आदि कटवाना अच्छा नहीं माना जाता। तो वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि रविवार के दिन बाल कटवाने से धन बुद्धि और धर्म का नाश होता है। इन दिनों में हजामत करवाने वाले पुरुषों की लाइफ में परेशानियां रहती हैं। परिवार में कलह का माहौल रहता है, इसीलिए इस दिन हजामत करवाने से परहेज ही करें तो अच्छा होगा। बताते चलें, अपने जन्मदिन, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथियों को भी हजामत करवाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा व्रत वाले दिन अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष, भद्रा और व्यातिपात, योग और शुभ कार्य के समय में हजामत ना करवाएं। तो वहीं जिनका एक पुत्र हो वो सोमवार के दिन दाढ़ी ना बनवाएं। तो चलिए अब आगे आपको बता दें, ऐसे कौन से दिन हैं जिनमें बाल कटवाना बेहद शुभ और लाभप्रद माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन हजामत करवाना शुभ फलदायी होता है। माना जाता है इन दिनों में हजामत करवाने वाले पुरुष खुश होते हैं। चूँकि बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है, इस दिन बाल नाखून और दाढ़ी कटवाने से घर में बरकत होती है, इसीलिए अधिकतर लोगों को बुधवार के दिन बाल कटवाने की सलाह दी जाती है। शुक्रवार का दिन वैसे तो देवियों का दिन माना जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह को ग्लैमर का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन बाल और नाखून कटवाना शुभ होता है और इसके कई शुभ परिणाम भी मिलते हैं, जैसे धन लाभ और यश की प्राप्ति। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप हजामत करवाने जाएं तो दिनों का ध्यान जरूर रखें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।